सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। थैंक यू। सब्सक्राइब। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप? आज हम पिज़्ज़े की डो बनाने लगे हैं। ये मैंने पास ऑयल पड़ा है, उसके बाद ये बेकिंग पाउडर, ईस्ट, और ये इन चीज़ों को हमने मिक्स करना है। उस पास हमारे ये साथ दही पड़ी है और ये सूखा दूध पड़ा हुआ है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह ये हमने इसमें डाल दिया, ईस्ट डाल दिया। अब ये जो हमारे पास ये ड्राई मिल्क है, खुशक दूध डालेंगे हम मैदे में। हमारे एक किलो मैदा है, एक किलो मैदे का हम ये बना रहे हैं। ठीक है? अब हमारे पास ये फ्रेश दही है, हम फ्रेश दही को इसमें डाल रहे हैं इस तरह। ये दही का तो दो चम्मच काफ़ी है, ये हम दो चम्मच दही ले लिए। उसके बाद हमने इसमें जो है जो बेकिंग पाउडर हमने और दूसरा ईस्ट जो है उसको, ये होता है कि 10 मिनट पहले आपने पानी में भिगो के रखना है। अभी ये ऑयल डाल रहे हैं हम इसमें, ये देखें एक कप मैंने ऑयल लिया। आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। ईस्ट को ये होता है कि उसको 10 मिनट के लिए पहले भिगो कर रखना पड़ता है पानी में, फिर उसमें वो तैयार हो जाता है। तो अब हमने इन चीज़ों को बनाएंगे, इसकी डो इनको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ऐसे मिक्स कर लेंगे, पेड़ा बनाएंगे। ये साथ थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए लगा रहे हैं, हमने ये देखना है कि कहीं डो हमारी पतली तो नहीं होगी। अगर आपने ज़्यादा पानी लगा लिया तो ये आपकी पिज़्ज़े की डो ख़राब हो जाएगी, फिर आटे का पेड़ा नहीं बनेगा। ये अब मैं इस तरह देखो इसको गूंदने लगा हूँ, ये उस वक्त तैयार हो जाएगा जब ये आपके हाथों को नहीं चिपकेगा। इसका यही है, इसको अब हम इसी तरह गूंद रहे हैं, साथ हम पानी भी लगाते रहेंगे और उससे मालूम होता जाएगा कि इसको कितने पानी की ज़रूरत है। तो अगर आपने ज़्यादा पानी लगाया तो फिर वह जो मैंने बताया, ये हमने ईस्ट जो पानी के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमने भोग कर गया, वो हमने इसमें डाल लिया, 10 मिनट रखी थी। अब इनको जब मिक्स करेंगे, ये दोनों चीज़ें इसमें डालनी ज़रूरी होती है, ईस्ट भी डालें, बेकिंग पाउडर भी। आपके सामने हमने पहले बेकिंग पाउडर डाला था। अब इनको मिक्स करने के बाद जो हमारे पिज़्ज़े की डो बहुत प्यारी बनेगी और वो फूलेगी भी। इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। और ये देखिए मैं किस तरह इसकी डो बना रहा हूँ, और डो भी ये इतनी ज़बरदस्त और प्यारी खूबसूरत बनेगी। अगर आप बाज़ार से ले लेते हैं दूसरे पेड़े वगैरह, वो उसके बनाएंगे तो रोटी बहुत सख्त हो गया, जब काटेंगे तो वो पत्थर की तरह हो जाएगी। अब ये हम देखें, ये बनाएंगे नरम भी होगी, खूबसूरत भी बनेगी। इसमें इसी से मैं शवारमे बनाऊंगा, इसी से हम पिज़्ज़े बनेंगे, ये इससे हम तीन पिज़्ज़े बनते हैं। ठीक है? ये देखें मैं साथ साथ पानी क्यों लगा रहा हूँ कि अब पानी की जितनी जितनी ज़रूरत हो वो पता चलता जा रहा है, उतनी उतनी पानी लगाएं। अब ये देखें आटा हमने गूंद लिया कैसे, ये देखें इस तरह। और ये देखें अब थोड़ी देर, अभी तो ये हाथों को थोड़ी देर बाद ये हाथों को चिमटने भी हट जाएगा। इसको ऐसे ही आप गूंदते जाएं तो ये देखें इसकी रंगत भी तब्दील होती जा रही है, खूबसूरत भी लग रही है और पता भी चल रहा है। जिस तरह अब औरतें घरों में आटे को गूंदती हैं वही तरीका है इसका, सेम सिर्फ ये रेसिपी आपने इसके अंदर डालनी है, इतनी इतनी मकदार में जितनी मैंने आप लोगों के सामने डाली है। तो औरतों को तो अक्सर घरों में पता है कि वो जो जिस तरह बनाती हैं रोज़ आटा गूंदती हैं, तो इस तरीके ये देखें मैं उठा के ऐसे दिखा रहा हूँ। तो अब इसको, इसका मतलब ये है कि इसको और पानी चाहिए साथ साथ। ठीक है? ये बेहतर हो गया, ये देखें ऐसे ये जुड़ने भी लग गया और ये हाथ को भी नहीं लग रहा। ये देखा हाथ मेरा खाली नज़र आ रहा है ना, देखें हाथ को नहीं चिपक रहा, इसका मतलब है कि ये रेडी के करीब ही है। अब ये देखें बिल्कुल आटा आपके सामने ऐसा बन गया है, ये देखें फूल भी रहा है और इसको हाथों को भी नहीं छू रहा। ठीक है? और इसकी डो से ही पता चल रहा है कि वो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम और वो इकट्ठा हुआ, और देखो परात को भी नहीं चिपक रहा, ये देखें बिल्कुल ये इकट्ठा बन गया है। यही इसकी खूबी है, इसी से ही इसका पता चलता है। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला की बरकत से कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, बिल्कुल बड़ी मज़े की और बड़ी अच्छी डो बन रही है। इससे आप तीन पिज़्ज़े बनाएं, चार पिज़्ज़े बनाएं, चार पिज़्ज़े बड़े इजी बन जाते हैं। तो मैंने इसी में ऐसे शवारमे बनाने हैं, ये भी बनाने हैं। तो माशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, यकीनन पसंद आएगी। आप लोग घर में जब इसको रेडी करेंगे, तैयार करेंगे,
तो आपकी ये डो बहुत अच्छी बनेगी और इसकी रोटी भी बनेगी, ये फूलेगी भी। यही रेसिपी आपने इस्तेमाल करनी है। बेकिंग पाउडर के साथ साथ आपने जो है ना, जो चीज़ें मैंने दूसरी लगाई हैं वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है उतनी उतनी मकदार में, फिर ये डो बहुत अच्छी बन जाएगी। देखें माशाल्लाह आप लोगों के सामने कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब जब हम इसका पिज़्ज़े बनाएंगे तो पिज़्ज़े में ये रोटी उधर से फूल जाएगी, ये है। तो अब ये देखें रंगत इसकी बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बन गया, ये देखें ऐसे। अब हमने इसको कम से कम ना इसको 1 से 2 घंटों के लिए आप रख दें। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 घंटा तो कम से कम आपको रखना पड़ेगा इसी को बंद बर्तन में। अब हमने इसको ऐसे करना है कि हम एक बोल के अंदर इसको रखेंगे। ये देखें मैं इसको हाथ से मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वो अपनी जगह पे चिपका हुआ है, नीचे नहीं गिर रहा। ये देखें बिल्कुल ना ट्रे को लगा हुआ है ना हाथों को लग रहा है। ये इस तरह गूंदने से तैयार होता है, जैसे आइसक्रीम को हम बीट नहीं करते, बीट करने से वो फूल जाती है, इसी तरह से भी ये आटा भी वैसे ही तैयार हो रहा है। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल सही फिट और ख़ूबसूरत तैयार हुआ है। अब हम इसको जो है ये देखें अब बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। अब हमें इसे जो है मैं मज़ीद इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि ये देखें आप लोगों को पता चल गया। अब हमने एक बोल के अंदर इसको रखेंगे। ये मैंने बोल लिया और बोल के अंदर रखूँगा मैं तो 1 घंटे के लिए इसको रखूँगा। उसके बाद ये देखें ये फूल जाएगा, फिर इसकी रोटी बनाएंगे। रोटी बना के फिर आज मैंने मार ग्रीटा पिज़्ज़ा बनाना है, उसके बाद नेक्स्ट 2 पिज़्ज़े फिर और नेक्स्ट डे में मैं बनाऊँगा, इसलिए मैंने डो ये बना के रख लिया। तो अब 1 घंटे के लिए ये देखें मैंने आपके सामने बंद कर दिया। अब मैंने इसको 1 घंटे बाद मैं अभी निकालूंगा ताकि आप लोगों का टाइम भी बचा दे। ये देखें 1 घंटे के बाद ये किस तरह रोटी है कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। इस तरह इसको हमने जो है मारग्रीटा पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो हमने इसके साइडों की इस तरह फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आज मैं बनाऊँगा माइक्रोवेव में। तो मैंने पहले बनाए थे पिज़्ज़े अपने उसमें ये है फ्राई पैन में और दूसरा प्रेशर कुकर में, और आज ये इस तरीके से हमने इसको निशान लगा लेने हैं ऐसे। ये अगर फोक है फोक से लगा लेने हैं, या तकशूरी कांटा जो चीज़ भी आप उससे ये इसके लगा लेने हैं। इसमें ज़रा खूबसूरती नज़र आ रही है मैंने इसलिए इससे लगा दी है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो है पिज़्ज़ा सास लगाएँगे। पिज़्ज़ा सास मैंने अपनी तैयार की है, वो मैं इधर लिंक में मैंने दे भी देता हूँ कि पिज़्ज़ा सास कैसे तैयार करनी है। अब हम इसके ऊपर सास लगाएंगे। ये बड़ी सिंपल रेसिपी है, बहुत इजी आप बना सकते हैं घर में। तो इस तरह पिज़्ज़ा सास हमने ऊपर पेस्ट कर देना है ऐसे। घर में आप बहुत इजी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है। इसके ऊपर चीज़ लग जाएगी तो ये आपका पिज़्ज़ा तैयार। अगर जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है वो आप इसमें लगा सकती हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने इसके ऊपर जो है ना फिर चीज़ लगा देनी है। चीज़ लगाने के बाद हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे। ये देखिए अभी चीज़ चारों तरफ जब लग जाएगी तो पिज़्ज़ा बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत, इसकी लुक भी अच्छी लग रही है। ये देखें इस तरीके से। अब हमने इसके ऊपर चीज़ शुरू कर देते हैं ऐसे, हमने चीज़ लगानी शुरू कर दी है ये ऐसे। इसके बाद मैंने स्पेशल पिज़्ज़ा बनाना है, उसमें फिर मैंने काफ़ी चीज़ें लगानी है, मशरूम लगाने हैं उसके ऊपर, ब्लैक ओलिव भी, पीछे भी जो मेरे पिज़्ज़े लगे हुए हैं इटालियन पिज़्ज़ा, दूसरे पिज़्ज़े माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। मैं उनकी जो है रेसिपी आपको इधर लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो लिंक से आप वहाँ से रेसिपी को देख सकते हैं। और मैंने इनकी डिटेल भी साथ में लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन में रिटन में, तो अब वहाँ से भी अब इजी देख के इसको बन सक सकती हैं, क्योंकि बंदा वैसा भूल सकता है। अब ये देखें मैंने इसको माइक्रोवेव के अंदर मैं रखने लगा हूँ इसको। ये देखें माइक्रोवेव की प्लेट के अंदर से मैंने इसको जब रख देना है तो ये देखें ये बिल्कुल विद इन 5 मिनट्स ये बिल्कुल थे 5 मिनट में ये पिज़्ज़ा पक जाता है इस तरह। तो मैंने इसको लगा दिया फास्ट पे। ये देखें इसके ऊपर से ये देखें कैसे उबल रहा है इस तरह, ऊपर को पक गया। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको दोबारा लगा के मैंने अब इसको फिर और थोड़ा पकाया और निकालने लगा हूँ मैं। इसके बाद हम इसके पीस जो है मुख्तलिफ पीस इसके मैं उठाऊँगा, एक भी ज़्यादा पीस उठाऊँगा, और देखना इसमें कितने खूबसूरत माशाल्लाह लंबे लंबे धागे बनेंगे जिससे पिज़्ज़े की खूबसूरती भी लगेगी। पिज़्ज़े का मज़ा ही तभी आता है अगर उसमें लंबे लंबे धागे बने। लंबे लंबे धागों से पिज़्ज़े का एक तो टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। साथ ऐसे हमने इसको कटिंग कर ली है ये देखें, और इधर से मैं इसके सिरे 4 पीस रखता हूँ, पहले मैं 6 पीस रखता हूँ कि ना 4 पीस ही। अब यहाँ से मैं पीस को फौरी ये देखें उठाने लगा हूँ। अब
इस तरीके से ये चीज़ जो है ये देखें, इसने उस पिज़्ज़े को ऐसे पकड़े, ये देखें कितने माशाल्लाह लंबे लंबे धागे बन रहे हैं, ये देखें आप लोगों के सामने मैं इसको कितनी हाइट पे ले गया और फिर भी लंबे लंबे धागे, सो लॉन्ग, वो माशाल्लाह लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इसको रखा मैं इसके साथ वाले और पीस को भी उठाऊँगा इसी तरह से, वो भी देखते हैं उसमें किस तरह के धागे बने हुए हैं, तो साथ वाले पीस की भी ट्राई कर दे। इस तरह मैंने इसको उठाने लगा और ये देखें कितने लंबे लंबे खूबसूरत ब्यूटीफुल धागे, ओ अब मैं इसको और हाइट पे लेके जाता हूँ और देखो ये धागे टूटे नहीं हैं, लंबे लंबे धागे बने हैं, बहुत ज़बरदस्त क्लास का पिज़्ज़ा बना हुआ माशाल्लाह, शक्ल भी खूबसूरत लग रही है और इसकी खुशबू भी आ रही है, इसके धागे देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे मुँह में हमारे पानी आ रहा है। तो अब ये देखो मैं इसके अलावा और पीस भी उठाता हूँ, उसमें देख रहे हैं उसमें किस तरह के धागे आते हैं, तो ये आपके सामने मैं इस पीस को उठा रहा हूँ और ये देखे बहुत ही लंबे और खूबसूरत धागे, वाह 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 माशाल्लाह। और आप लोग यकीनन घर में इस तरह इसको बनाएं, कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, तो ये आपको बाज़ार से बेहतर मिलेगा, जो बाज़ार से आप लेते हो उसमें इस तरह के धागे आपको नहीं मिलेंगे। ये जो चीज़ें मैंने लगाई हैं सेम यही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।